जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में। दोस्तों बीएसएफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है, ग्रुप सी की नई वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अभी आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि फॉर्म की जो डेट है 17 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक फॉर्म की डेट होने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कौन कौन सी पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एज लिमिटेड क्या मांगी रही है और क्वालिफिकेशन आपकी क्या मांगी रही है, हाइट कितनी मांगी रही है, आज इस वीडियो के अंदर मैं वो आप सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों बीएसएफ की न्यू वैकेंसी होने वाली है ग्रुप सी की ओर से, ठीक है। दोस्तों तो आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी रही है वो मांगी रही है पोस्ट के हिसाब से आपकी जो क्वालिफिकेशन होने वाली है। पहले मैं आपको बता देता हूं आपकी जो हाइट कितनी रहने वाली है और आप जो फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे तो कौन कौन सी पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई करना कर सकते हो, तो वो आज से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। दोस्तों तो पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो पोस्ट होने वाली है, तो वो पोस्ट होने वाली है आपकी जो फर्स्ट पोस्ट होने वाली है प्लम्बर की पोस्ट होने वाली है, दूसरी पोस्ट जो होने वाली है कारपेंटर की पोस्ट होने वाली है, तीसरी जो पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है ऑपरेटर की पोस्ट होने वाली है यानी कि ड्राइवर की पोस्ट होने वाली है, चौथी जो पोस्ट होने वाली है कॉन्स्टेबल लाइन मैन की पोस्ट होने वाली है, ठीक है। दोस्तों ये चार पोस्टें होने वाली है, चार पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फीमेल के लिए जनरल में अप्लाई होगा, इसमें फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो पोस्ट है वो एक प्लम्बर की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, उसके बाद लैंड मैन की पोस्ट है, ठीक है। ये चार पोस्ट है मेल के लिए। तो जो फीमेल के लिए वो जेडी में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल ड्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं जो फीमेल है, ठीक है। तो हाइट की बात अभी बात करते हैं, हाइट की जो बात की जाए आपकी जो लड़कों की हाइट होने वाली है वो 5 cm हाइट होने वाली है, लड़कियों की जो हाइट होने वाली है 157 cm हाइट होने वाली है, ठीक है। दोस्तों तो एज की बात की जाए, पोस्ट वाइज जो आपकी एज मांगी रही है, ठीक है, पोस्ट वाइज एज आपकी मांगी रही है, एज जो लिमिटेड टोटली है वो 18 से लेकर 25 साल के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, उनकी जो टोटली एज होने वाली है 18 से लेकर 25 साल के अंदर अंदर एज होनी चाहिए आपकी, तब आप बीएसएफ की भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप सी की भर्ती देख सकते हो। तो अब बात की जाए अभी इसकी क्वालिफिकेशन की, जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी रही है इस भर्ती के अंदर, जैसे पोस्ट वाइज भर्ती है दोस्तों, तो जैसे आप प्लम्बर की पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बर का, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आता है कारपेंटर का, अगर आप कारपेंटर के पोस्ट में अप्लाई करते हो फॉर्म, तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए ओनली, ठीक है। तो उसके बाद आता है ड्राइवरी का, अगर आप ऑपरेटर में ड्राइवरी में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट ओनली और 3 साल का आपके पास ड्राइवरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हाईवे लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तब आप ड्राइवरी में पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आती है लाइनमैन की, ठीक है, कॉन्स्टेबल लाइनमैन की जो पोस्ट है उसका आपको 10वीं का सर्टिफिकेट और एक आईटीआई चाहिए, कोई भी आईटीआई चल पड़ेगी, ठीक है। तो ये पोस्ट वाइज जो आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है, लड़कियों के लिए जो जनरल ड्यूटी में है उनका 10वीं का सर्टिफिकेट, प्लस 2 का सर्टिफिकेट, अदरवाइज जो उन्होंने कोई आईटीआई करके रखी है तो वो एक्सपीरियंस वो लगा सकते हैं इस फॉर्म के साथ, ठीक है। दोस्तों तो एज जो आपकी शूट होने वाली है, यानी कि एज में जो आपकी शूट मिलेगी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले को जो शूट मिलेगी 5 साल की शूट मिलेगी, ओबीसी कैटेगरी वाले को जो शूट मिलेगी वो मिलेगी आपकी 3 साल की शूट मिलेगी, ठीक है। दोस्तों तो ये फॉर्म भरने अभी स्टार्ट हो चुके हैं, 17 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक फॉर्म इसके अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन पूरी है, तो आप इस भर्ती को देख सकते हो, ग्रुप सी की नई बीएसएफ की वैकेंसी होने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो सही अपडेट थी तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मैंने बता दी है। अगर आप बीएसएफ की भर्ती देखना चाहते हो, बीएसएफ में होना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके तो आप आराम से भर्ती देख सकते हो बीएसएफ की, ठीक है। दोस्तों तो आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नई नई अपडेट जैसे भी आएगी मैं आपको सबसे पहले वीडियो बना के दिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।